हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर अकाउंट्स का मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, या आप कह सकते हो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा इस चैप्टर का बेसिक। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग क्या होता है, और उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी क्लास 11th के बच्चे मेरी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, चाहे वो ग्रुप में लेना चाहें या प्राइवेट क्लासेस लेना चाहें, उनके लिए मेंबरशिप अवेलेबल है। व्हाट्सएप नंबर मेरा आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा। जो बच्चे इंटरेस्टेड हों वहाँ पर मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि सर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग क्या होता है, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। एग्जाम्पल्स मैं दूंगा और उन एग्जाम्पल से हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर हमें अकाउंट्स की नीड क्यों है, अकाउंटिंग होती क्या है। सबसे पहला एग्जाम्पल मान लीजिए आपको दिख रहा है ये बहुत बड़ा व्हाइट बोर्ड है और मैं अपने कोचिंग सेंटर में क्लास कर रहा हूँ। इस कोचिंग सेंटर में मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलता हूँ कि मान लो मेरे पास 300 बच्चे पढ़ते हैं, तो 300 बच्चे एक महीने में फीस भी देते होंगे। यस सर। क्या अगर मैं इन 300 बच्चों का कहीं पर भी मैं लिखूं नहीं किसकी फीस आई है किसकी फीस नहीं आई है, तो क्या मैं ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन याद कर सकता हूं? क्या मुझे याद रहेंगे? क्या नहीं, क्योंकि हर महीने फीस आएगी, मुझे उनको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सर ये एग्जांपल थोड़ा समझ में नहीं आया। चलो मेरे को जोश आ गया एकदम और मैंने खोखा खोल लिया। अरे सर क्या बात कर रहे हो, खोखा खोला? अरे खोल दिया, खोखा बहुत चलता है, मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया। मैंने खोखा खोला, आज स्टार्ट किया, कुछ ट्रांजेक्शन्स हुए, खरीदा बेचा, मेरा माल सेल हुआ, मैंने कहीं से परचेज किया बेचने के लिए, डेली ट्रांजेक्शन्स हुए, आज 7 हुए, कल 15 हुए, फिर 20 हुए, एंड सो ऑन। अगर मैं ये ट्रांजैक्शन कहीं पर रिकॉर्ड ना करूं, कहीं पर लिखूं नहीं, तो क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है पता लगाना कि मेरा खोका प्रॉफिट में है या लॉस में है? नहीं। तो इसके लिए हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ती है? सर अकाउंट्स की। अकाउंट्स की सबसे पहली डेफिनेशन क्या है कि जो भी बिजनेसमैन है जो भी अपना काम कर रहे हैं, उन सभी को ये पता होना चाहिए, वो जानना चाहते हैं कि यार मुझे बताओ मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, मुझे बताओ कि लॉस हो रहा है या फायदा हो रहा है। आप किसी भी बिजनेसमैन से पूछना कि बेटे प्रॉफिट में हो या लॉस में, वो तुरंत बता देगा कि अभी तो मेरा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या अभी तो मेरा बिजनेस लॉस में चल रहा है। कैसे? क्योंकि वो उसने अपने सारे अकाउंट्स टाइम टू टाइम मेंटेन कर रखे हैं। तो सबसे पहली चीज सर अकाउंट्स इज व्हाट? अकाउंट्स में हम क्या करते हैं सर? रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग वीडियो की नहीं करते, रिकॉर्डिंग किस चीज की करते हैं सर? अकाउंट्स में सबसे पहले आपको यहां पर फीचर्स दिख रहे होंगे अकाउंट्स के। अकाउंट एक आर्ट भी है और साइंस भी है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है सर? क्योंकि अकाउंट्स के कुछ फीचर, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अकाउंट्स करूंगा तो मुझे उसकी जितनी प्रैक्टिस करूंगा उतना अच्छे से कर पाऊंगा। और साइंस का मतलब क्या है कि इसके अपने आप में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, डेबिट क्रेडिट वगैरह, वो आगे चल के आप सीखोगे। सेकंड और एक तरीके से मोस्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। अकाउंट्स में हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो हमारे किस नेचर का होता है सर? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है बेटा? पैसा। अकाउंट्स में उन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं जिसमें या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा। अगर पैसे की बात नहीं हो रही है, पैसे का फ्लो ही नहीं है, ना ही आ रहा है और ना ही जा रहा है, तो अकाउंट्स में हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। पहली चीज याद रखना। सर इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंट्स में हम उन लेन देन को रिकॉर्ड करेंगे जिसमें पैसे की बात हो रही है। यस, लेकिन वो ट्रांजैक्शन, वो लेन देन आपके बिजनेस का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने ये टी शर्ट खरीदी 50 रुपए की, गरीब हैं क्या करें, 50 रुपए की टी शर्ट खरीदी, क्या ये मेरा किसी बिजनेस का ट्रांजैक्शन है?
क्या ये मेरा किसी बिजनेस का ट्रांजैक्शन है? नहीं सर। क्या मैं इसे अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगा? नहीं सर। लेकिन जहां से मैंने ये शर्ट खरीदी है उसके लिए क्या है वो? सर उसके लिए तो उसका बिजनेस है। क्या उसने जब ये टी शर्ट मेरे को सेल करी होगी उसने कहीं ना कहीं रिकॉर्ड किया होगा? यस सर। दूसरा एग्जाम्पल, मैंने या आपको मैंने जैसा कि बात कही थी कोचिंग में, मैं पढ़ा रहा हूं, प्रमोशन करता रहता हूं अपना खुद का बार बार, तो ये व्हाइट बोर्ड लगवाया। इस व्हाइट बोर्ड को लगवाने में मेरा खर्चा हुआ। अब कोचिंग एक तरीके से मेरा बिजनेस ही मान लीजिए। इस खर्चे को क्या मैं अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगा? यस सर। और अगर यही व्हाइट बोर्ड मैंने घर पे लगवाया होता तो मैं रिकॉर्ड करूंगा? नो सर। क्लियर है? अकाउंट्स में हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, और दूसरी चीज वो लेन देन किसके होने चाहिए? सर बिजनेस के होने चाहिए। पैसे का लेन देन लेकिन किसका? बिजनेस का होना चाहिए। यहां पे आपको क्लियर होगा? यस सर क्लियर है। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, अरे समझ गए सर, रिकॉर्डिंग किस में होनी चाहिए? मनी में होनी चाहिए। और किसकी होनी चाहिए? बिजनेस के ट्रांजैक्शन की होनी चाहिए। वही तो अकाउंट्स, अकाउंट्स इज ऑल अबाउट रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ओनली। यानी कि सर अकाउंट्स में हम लोग पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे। अगर उस ट्रांजैक्शन में पैसा ना आया है ना गया है नहीं रिकॉर्ड करेंगे, और अगर वो ट्रांजैक्शन बिजनेस का नहीं है तो भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बाल ठीक लग रहे हैं? हाँ ठीक है बेटा। उसके बाद क्लासिफाइंग, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गए बेटा? यस सर रिकॉर्ड हो गए। सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गए? यस सर हो गए। बिजनेस के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गए? सारे। पॉइंट याद रखना, बिजनेस के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सर रिकॉर्ड हो गए। ठीक है बेटा। मालिक आया या मैं गया अपने अकाउंटेंट के पास, मुझे बताओ बेटा कि परचेज कितनी हुई मेरी? अच्छा परचेज, अब मैंने तो सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रखे हैं, तो परचेज, अच्छा परचेज यहाँ है, अच्छा परचेज यहाँ है, अच्छा परचेज यहाँ है, परचेज यहाँ भी है, ऐसे काउंट करूँगा क्या? नहीं। मैं क्या करूँगा, जो जो ट्रांजैक्शन सेम ग्रुप के हैं उनको मैं एक ग्रुप में, और जो जो ट्रांजैक्शन अलग अलग ग्रुप के हैं उनको मैं अलग अलग ग्रुप में कर दूंगा, जिसको मैं कहूँगा क्लासिफाइंग। सर ऐसा क्यों? मैंने पूछा बेटा मेरा पास कैश कितना आया जल्दी बताओ। सर कैश अकाउंट देखा इतना आया। बेटा मुझे बताओ परचेज कितनी हुई, परचेज अकाउंट देखा इतना आया। बेटा मुझे बताओ सेल्स कितनी हुई, सर इतनी हुई। इसलिए हम सभी ट्रांजैक्शंस को सेम ग्रुप वालों को सेम ग्रुप में और अलग अलग ग्रुप वालों को अलग अलग ग्रुप में करते हैं, बिकॉज वी ऑल नीड टू क्लासीफाई ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ सेम ग्रुप एंड डिफरेंट ग्रुप, जिसके लिए हम लेजर का इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जांपल, आपके स्कूल्स में प्रेयर होती होगी? यस सर। जब प्रेयर होती है तो सभी क्लास के बच्चे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, एलकेरी, यूकेरी, सभी क्लास के बच्चे आ जाते हैं ग्राउंड में? यस सर। ये क्या है? एक तरीके से रिकॉर्डिंग है सर, रिकॉर्डिंग है। और जब ये सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में जाएंगे, फर्स्ट का फर्स्ट में, सेकंड का सेकंड में, थर्ड का थर्ड में, फोर्थ का फोर्थ में, फिफ्थ का फिफ्थ में, इसको हम क्या कहेंगे? तो अभी हमने रिकॉर्डिंग समझ लिया, क्लासीफाइंग समझ लिया, अकाउंट्स क्या होता है वो देख लिया। उसके बाद क्या होता है सर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया। कौन से ट्रांजैक्शन? बिजनेस के ट्रांजैक्शन। उसके बाद सबको हमने क्लासिफाई कर दिया, कैश वाला कैश में, परचेज वाला परचेज में, सेल्स वाला सेल्स में। अब हम क्या करेंगे, सभी अकाउंट को समराइज करेंगे। समराइज यानी कि जो भी हमारे खर्चे हैं, जो भी हमारी इनकम है, जो भी हमारी संपत्ति है, जो भी हमारे कर्जा है, सबको कैलकुलेट करने के बाद हम ये जानना चाहते हैं कि सर हमको प्रॉफिट हुआ है या लॉस। उसके लिए हम क्या करेंगे, समराइजिंग करेंगे। पहले रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर क्लासिफाई करेंगे, फिर समराइज करेंगे। और यहाँ पर हमें मालूम पड़ गया कि आपका जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है। आपकी एसेट्स कितनी है, आपके ऊपर कर्जा कितना है, आपकी संपत्ति कितनी है। मेन काम अकाउंट्स का हो गया। अब यहाँ पे हम करते हैं इंटरप्रिटेशन। मतलब कि अगर मेरा बिजनेस है तो इसके कुछ इंटरेस्टेड यूजर्स भी होंगे, जो मेरे बिजनेस की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल पोजीशन है, उसको जानना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, यूजर्स दो टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, वो अभी आगे पढ़ेंगे।
फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे सप्लायर्स, सप्लायर्स जो मुझे सामान देते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि मेरा जो बिजनेस है वो कैसा चल रहा है, अच्छा या बुरा। अगर अच्छा चल रहा है तो उनको लगेगा कि ये पैसा टाइम टू टाइम देंगे, वो मुझे माल सप्लाई करेंगे। इन्वेस्टर्स जो पैसा लगाना चाहते हैं मेरी कंपनी में, लैंडर्स मेरे कंपनी के एम्प्लॉयज, मेरी कंपनी का मैनेजमेंट, ये सभी लोग हमारी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको जानना चाहते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन। और लास्ट में हम खुद उन लोगों से अपने अकाउंट्स के बारे में कम्युनिकेट करते हैं। तो ये तो हमारी अकाउंटिंग होगी। सर अकाउंटिंग क्या है? जिसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करने के बाद सभी जो भी अकाउंट्स होंगे उनको अलग अलग कर देंगे, सेम ग्रुप को सेम ग्रुप में और अलग अलग ग्रुप को अलग अलग ग्रुप में। देन हम करेंगे सबको समराइज, वेदर टू नो कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस, और हम फिर इंटरप्रिटेशन जो हमारे यूजर्स हैं उनको बताएंगे और कम्युनिकेट करेंगे यहां तक आपकी अकाउंट्स। अब आते हैं सर हमारी जो अकाउंट्स होती है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या है। सबसे पहला, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस। जो भी लेन देन हुए हैं बिजनेस के, जो भी बिजनेस में चीजें आई हैं गई हैं, उसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होना चाहिए। और उसके लिए हम क्या करते हैं, अकाउंट्स करते हैं। जो चीज हमने परचेज करी वो परचेज में, जो चीज हमने सेल्स करी वो सेल्स में, जो नगद आया उसे कैश में, जो बेच दिया उसे सेल्स में, और डे वाइज। डे वाइज यानी कि एक तारीख का ट्रांजेक्शन, फिर दो का ट्रांजेक्शन, फिर तीन का ट्रांजेक्शन, ऐसे नहीं एक का फिर तीन का फिर दो का, ऐसे नहीं होता। फिर टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। आपके बिजनेस में आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग। आपको प्रॉफिट हुआ या आपको लॉस हुआ उसका रीजन क्या है, जो एग्जैक्ट रीजन क्या है कि सर इस वजह से आपको प्रॉफिट हुआ है, इस वजह से आपको लॉस हुआ है, ये आपको कौन बताएगा, अकाउंट्स बताएगी। तो तीन ऑब्जेक्टिव समझ में आए। सबसे पहला सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन रखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और जो प्रॉफिट हुआ या जो लॉस हुआ उसका एग्जैक्ट रीजन क्या है। फिर टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजिशन। देखो प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल पोजिशन में फर्क क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। फाइनेंशियल पोजिशन मतलब आपके बिजनेस में आपकी एसेट्स यानी कि आपकी संपत्ति कितनी कितनी है, क्या क्या है, और आपकी लायबिलिटी यानी कि आपके ऊपर कर्जा क्या क्या है और कितना है। To ascertain the progress of the business year to year, year by year, साल दर साल आपके business की progress क्या चल रही है, ये आपको कौन बताएगा, आपकी accounts बताएगी। यहाँ तक clear है definition और objective। अब आते हैं sir accounts के functions। पहला function है maintaining complete and systematic record। एक एक transaction जो financial nature का है, business से relate करता है, उसको record करना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इंपैक्ट डालेगा। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज। मैंने क्या बताया आपको कि हमारे जो अकाउंट्स होती है उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, और उनको हमारे अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं। प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। हमारे बिजनेस की जो भी संपत्ति है, जो भी एसेट्स है, उनको प्रोटेक्शन का मतलब उनको संभाल के रखना, सही हिसाब करना, कैश कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, डेब्टर्स कितना है, फिक्स एसेट्स कितनी है। उसके बाद प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। जब हमारे पास अकाउंटिंग से अपने बिजनेस की फुल इंफॉर्मेशन है, तो जो हमारा मैनेजमेंट है, जो हमारे बिजनेस के आगे के लिए प्लानिंग करता है, सोचता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, उसे मालूम रहता है बिजनेस अपना एकदम मस्त चल रहा है, अपन प्लानिंग अच्छे से करेंगे, बिजनेस अपना बेकार चल रहा है, प्लानिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। ये हमारा है प्रो टू मैनेजमेंट। फिर आपका ट्रस्टीशिप और कंप्लेंस ऑफ लीगल नीड। लीगल नीड्स का मतलब, जब भी हम बिजनेस करते हैं तो हमें काफ़ी सारी चीज़ों में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, GST आ गया, कंपनीज एक्ट आ गया, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो आई होप डेफिनेशन क्लियर होगा आपका, ऑब्जेक्टिव्स आपके क्लियर होंगे, फंक्शंस आपके क्लियर होंगे। अब बात आती है, तीन ऐसे नाम है जो एक जैसा ही लगता है लेकिन कुछ ना कुछ उनमें अलग अलग है, जैसे बुककीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। कोर्स के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा, तो अब नेक्स्ट आता है आपका बुककीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी।
बुक कीपिंग सबसे पहले क्या होता है कि मैंने आपको बताया था अकाउंट क्या है हमारा, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। कौन सा ट्रांजेक्शन सर? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और बिजनेस के पर्पज का। ये काम कौन करता है? हमारी बुक कीपिंग में किया जाता है। आप कह सकते हो कि हमारी जो बुक कीपिंग है वो प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटिंग हमारी सेकेंडरी स्टेज है। यानी कि जो अकाउंटिंग की पूरी प्रोसेस है अगर उसे दो पार्ट में बांट दिया जाए, यानी कि ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग कहाँ होगी बेटा? बुक कीपिंग में। ट्रांजेक्शन्स क्लासीफाई कहाँ किए जाएंगे? बुक कीपिंग में। उसके आगे की जो भी हमारी प्रोसेस रहेगी वो रहेगी हमारी अकाउंटिंग में। आप कह सकते हो कि बुक कीपिंग जहां पर खत्म होती है आपकी अकाउंटिंग वहां पर स्टार्ट होती है। फिर बात आती है अकाउंटिंग से, अकाउंटिंग के बाद अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में बेटा जो भी हमारे अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स हैं, किन नियम को फॉलो करते हुए आपको अकाउंटिंग करनी है, कौन से ट्रांजेक्शंस कहां पर रिकॉर्ड करने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते वक्त आपको DRCR क्या करना है, ये सारा हमें बताता है अकाउंटेंसी। यानी कि अगर इन तीनों को अगर आप देखोगे तो सर बुक कीपिंग इज वॉट, जहां पर आपको ट्रांजेक्शन को मेजर करना पड़ेगा। कौन से ट्रांजेक्शन सर? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और बिजनेस के। उसके बाद आप ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहा था मैंने कि जैसे हम स्कूल्स में प्रेयर करते हैं सभी बच्चे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड LKG से 10th तक जब प्रेयर होती है तो सभी के सभी बच्चे एक ही क्लास में आ जाते हैं, तो उसको हम तो कहते हैं सिर्फ रिकॉर्डिंग। और जब प्रेयर के बाद बच्चा क्लास में जाता है, फर्स्ट वाला फर्स्ट में, सेकंड वाला सेकंड में, थर्ड वाला थर्ड में, फोर्थ वाला फोर्थ में, वो हमारा क्या होता है सर? वो हमारी होती है क्लासीफाई। तो सिर्फ रिकॉर्डिंग और क्लासीफाई हमारी करी जाएगी बुक कीपिंग में। उसके आगे की प्रोसेस समराइज करना, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, फाइनेंशियल पोजीशन पता करना, किसमें होगा सर? अकाउंटिंग में। और सर अगर आप डिफरेंस देखें कि अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी में किन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे या अकाउंटिंग करोगे, वो आपको बताएगी अकाउंटेंसी। तो ये तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग और अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। अब बात आती है आपकी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, या फिर आप कह सकते हो सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। ये जो आपकी बुक है, ये जो भी आप पढ़ रहे हो, ये सारा का सारा पार्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। यानी कि इसमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, सर कौन से ट्रांजेक्शन? बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, कैसे क्लासीफाई करेंगे, कैसे समराइज करेंगे, कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे, कैसे कम्युनिकेट करेंगे, वो सारे काम होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। मैंने किसी गुड्स को बनाया, उसको बनाने में मेरा कितना खर्चा हुआ? अगर मान लो मैं ये व्हाइट बोर्ड को सेल करता हूं तो इसको बनाने में मेरा कितना खर्चा हो रहा है, ये सभी हमारा किसका पार्ट है बेटा? कॉस्ट अकाउंटिंग का। अगर आपको मालूम है कि सर मेरे को इतना प्रॉफिट हो रहा है या मेरे को इतना लॉस हो रहा है अकाउंटिंग की मदद से, तो आप अपना मैनेजमेंट उसी हिसाब से करोगे, अपनी प्लानिंग उसी हिसाब से करोगे, अपनी ऑर्गेनाइजिंग उसी हिसाब से करोगे, उसको हम कहेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एट लास्ट जब आप टैक्स के लिए जाओगे, आपको किस चीज़ में कितना टैक्स देना है, आपका इनकम टैक्स कितना बन रहा है, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स कितना बन रहा है, ये सारी डिटेल हमारी टैक्स अकाउंटिंग में। और हम लोग पैसा किससे कमाते हैं? सोसाइटी से कमाते हैं। रिसोर्सेज हमें किसे देने होते हैं? सोसाइटी के लिए देने होते हैं। तो टाइम टू टाइम सोसाइटी के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वो हमारी होती है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। यानी कि अकाउंटिंग के आपको 5 पार्ट हो गए, जो भी आप पढ़ रहे हो, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, बैलेंस शीट बनाना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आपने किस गुड्स को बनाने में कितना खर्चा हुआ, आपकी कॉस्ट क्या है उसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग। देन उसके बाद आपको मैनेजमेंट करना है, क्या प्लानिंग होगी, क्या ऑर्गेनाइजिंग होगी, क्या स्टाफिंग होगी, उसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कितना कितना टैक्स कहाँ कहाँ जमा करना है टैक्स अकाउंटिंग, और समाज का भला करना है उसके लिए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। फिर आपके मैंने बताया था कि हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, हमारी जो अकाउंटिंग होती है उसके यूजर्स होते हैं इंफॉर्मेशन के, जो कि दो पार्ट में है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में हमारी कंपनी के मालिक आ जाएंगे, हमारी कंपनी का मैनेजमेंट आ जाएगा। बात करी जाए एक्सटर्नल के, तो जो लोग हमारी कंपनी में पैसा लगाते हैं इन्वेस्टर्स, जिन लोगों को हम सामान बेचते हैं या जिन लोगों से हम सामान खरीदते हैं, वो हमारे क्रेडिटर्स और डेबिटर्स, इन लोगों को भी हमारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं। सर इनको हमारी इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? अगर मेरी कंपनी में कोई पैसा लगाएगा तो आंख बंद करके तो लगाएगा नहीं बेटा, उसे मेरी कंपनी की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए कि जो मेरा बिजनेस है वो प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, मेरी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, इसके लिए उसे अकाउंटिंग की जरूरत पड़ेगी। और वो मेरा कौन है?
एक्सटर्नल यूजर्स है। 1-1 मार्क्स में आपको ये मालूम होना चाहिए बेटा कि इंटरनल यूजर्स कौन है आपके और एक्सटर्नल यूजर्स कौन है। यहाँ के बाद आपसे पूछा जाता है कि अकाउंटिंग का एडवांटेज क्या है। आपकी जितनी भी ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं, सर अकाउंटिंग से हमें प्रॉफिट एंड लॉस की इंफॉर्मेशन मिलती है, अकाउंटिंग से हमें फाइनेंशियल पोजीशन मालूम पड़ती है, अकाउंटिंग से आपको अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसका एग्जैक्ट रीजन क्या है और अगर लॉस हुआ है तो उसका भी एग्जैक्ट रीजन क्या है, ये हमें अकाउंटिंग से मालूम पड़ती है। आपके जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं ईयर बाय ईयर, पिछली साल क्या हुआ, उससे पिछली साल क्या हुआ, उससे पिछली साल क्या हुआ, ये आपको कौन बताएगा, अकाउंटिंग बताएगी। तो उसको आप एज अ एडवांटेज भी कर सकते हो। अब आपकी आती है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग में क्या है, सबसे पहला है इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। अकाउंटिंग जो करते हैं वो हम लोग करते हैं, इंसान ही करता है। अब जब हम डेप्टर्स बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे को लग रहा है कि कोई इंसान टाइम पर पैसा दे सकता है, किसी और को लग रहा है वो टाइम पर पैसा नहीं दे सकता, तो मैं उसका ट्रीटमेंट अपने हिसाब से ट्रीट करूंगा, जिसको लग रहा है कि उसको प्रोविजन नहीं बनाना उसके लिए तो वो प्रोविजन नहीं बनाएगा, यानी कि वो मेरा पर्सनल जजमेंट है। और अगर दूसरा अकाउंटेंट को लग रहा है कि उसके लिए प्रोविजन बनाने की जरूरत है, वो ऐसा डेप्टर्स है वो पैसे दे सकता है नहीं भी दे सकता, तो उसे वो अपने हिसाब से ट्रीट करेगा। सेकंड है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। अकाउंटिंग में अभी आपने जब अकाउंटेंसी पढ़ रहे थे वहां मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग जैसे भी करी जाएगी वो उससे कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स के हिसाब से करी जाएगी। फिर है आपकी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। अकाउंट में हम सर क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं जस्ट, उससे जो एक्चुअल आपको प्रॉफिट हो रहा है या एक्चुअल लॉस हो रहा है वो आपको जब मालूम पड़ेगा जब आपका बिजनेस एंड हो जाएगा। तो ये तीसरी लिमिटेशन। ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। अकाउंट्स में हम क्वालिटेटिव जो हमें क्या है, हमें मॉनेटरी टर्म से मतलब है, हमें फाइनेंशियल टर्म से मतलब है, बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ रही है, मैनेजमेंट अच्छा हो गया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, यानी कि उसको हम इग्नोर करते हैं। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट, यहाँ पे हम जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जो भी एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं, वो हम उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट को देख के करते हैं, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू। इफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि कभी कभी जो बिजनेसमैन होते हैं वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए अपनी जो अकाउंट्स है उसे अच्छा दिखा देते हैं, ताकि जो लोग हैं वो कंपनी तरफ अट्रैक्ट हो, है ना। फिर आता है अनसुटेबल फॉर फॉरकास्टिंग। आप इस साल की अकाउंटिंग को देखते हुए नेक्स्ट ईयर की फॉरकास्टिंग इजीली नहीं कर सकते। सो ये हमारी लिमिटेशंस कहलाती है बेटा अकाउंट्स की, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सन जजमेंट, अकाउंटिंग कंसेप्ट, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, ओमिशन, हिस्टोरिकल फैक्ट, विंडो ड्रेसिंग। अब आता है आपके चैप्टर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अब यहां पर सबसे पहला पॉइंट है बेटा आपके लिए रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि सर मेरे को 50,000 का प्रॉफिट हुआ, मैंने कहा मेरे को 1,00,000 का लॉस हुआ है, इसका मेरे पास एक कोई ना कोई एविडेंस होगा। ये जो 50,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रूफ कर रहे हैं कि आपको 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, वो आपकी क्या कहलाएगी, रिलायबिलिटी कहलाएगी। यानी कि आप जब भी, जैसे मान लो मैंने कहा मेरे को 60,000 का नुकसान हो गया साहब, उसका क्या आप पे एविडेंस है कि आपको 60,000 का नुकसान हुआ है, वो हमारी कहलाती है रिलायबिलिटी। यानी कि अकाउंट्स में जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है, जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, उन सब का कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिकॉर्ड होगा। दूसरा है रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब है कि आप जो भी ट्रांजेक्शन्स को डालोगे वो रिलेट करना चाहिए उस ट्रांजेक्शन से, जो आपके फालतू के ट्रांजेक्शन होते हैं उनको आप पुट आपको नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कंपनी जानना चाह रही है कि हमारे इस समय के कितने डेप्टर्स ऐसे हैं जो अच्छे हैं, कितने डेप्टर्स ऐसे हैं जो पैसा टाइम पर दे देंगे, और कितने डेप्टर्स ऐसे हैं जो हमें पैसा नहीं देंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन रिलेट कर रही है। अब डेप्टर्स की इन्फॉर्मेशन आपने कैटर्स डाल दिए, वो रिलेट नहीं कर रही है, तो आपको इन्फॉर्मेशन वही डालनी है जो उससे रिलेट करती हो, यानी रेलिवेंस। थर्ड है आपका अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंट्स के जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो आपको इस मैनर में अरेंज करना पड़ेगा जिससे हर कोई देख कर ही अपने समझ सके कि हाँ ये अकाउंटिंग करी है, उसको अंडरस्टैंडेबिलिटी कहते हैं। फोर्थ आता है कंपेरेबिलिटी। जो मैंने बताया था कि जो भी हमारे अकाउंट्स के ट्रांजेक्शन्स हैं वो ईयर बाय ईयर चेक करे जाएंगे, इस साल में कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, पिछली साल में कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, क्या रीजन था इतनी साल प्रॉफिट हुआ, क्या रीजन था पिछले साल लॉस हुआ, उसको हम कहेंगे कंपेरेबिलिटी। और लास्ट है आपका फेथफुल प्रेजेंटेशन।
फेथफुल प्रेजेंटेशन हमारा क्या होगा बेटा, फेथफुल प्रेजेंटेशन में हमारी अकाउंटिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि जो भी ट्रांजेक्शन है आपको वैसे ही दिखाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग या बहुत सी बुक में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग खत्म होता है। इस वीडियो के बाद मैं इस चैप्टर के जो MCQs हैं इंपॉर्टेंट वो बनाऊंगा, जो कि चाहे DK गोयल चाहे TS अग्रवाल अपनी तरफ से वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर भी अगर इस चैप्टर में कोई डाउट रहा हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट सेक्शन में बता देना या मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है वहाँ पूछ देना। बस वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा, और अब तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।